सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उस कितने टाइप्स के होते हैं। और ट्रांसफार्मर जो होता है बेसिकली 14 टाइप्स के होते हैं, कि डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम सारे क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़ जाइए। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर हमारे घरों के लिए सप्लाई करता है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक के बीच की जो सप्लाई होती है हमारे घर तक, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है, वहां पे उसका मेन रोल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चौराहे पे यूज होता है, कभी कभी पोल्स पे यूज होता है, और जहां पे कम जगह होती है वहां पे अंडरग्राउंड भी यूज होता है। तो इस ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज यहीं पे होता है। सेकंड नंबर पे हम जिस ट्रांसफार्मर की बात करने वाले वो है पावर ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है? सो पावर ट्रांसफार्मर का यूज होता है फैक्ट्री वगैरह में या कोई इंडस्ट्री होती है, सो वहां पे हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है, तो वहां के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो नंबर थ्री पे हमारे पास जो ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली होता है क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके ऊपर कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए एक टाइप का इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर होता है, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी कि उसको बोल सकते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो वो भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है जिसका यूज करके हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है, इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। फाइव नंबर पे जो ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं फर्नेस ट्रांसफार्मर। फर्नेस लाइक आप नाम दे सकते हैं, भट्टी जिसको बोलते हैं। सो उसका बेसिकली एग्जांपल होता है कि जैसे कि हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, सो उसमें एक बहुत एडवांस ट्रांसफार्मर लगा होता है। सो उससे क्या होता है कि हमारे जो ओवन को सप्लाई चाहिए होती है वो चाहिए होती है 24 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग चाहिए होती है। सो उसके लिए वो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई का आउटपुट देता है। सो फर्नेस ट्रांसफार्मर का यूज फैक्ट्रीज वगैरह में भी होता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स को मेल्ट कराने के लिए और नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए तो मेटल को मेल्ट कराते हैं। सो वहाँ पे फर्नेस में ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है, और इलेक्ट्रिक फर्नेस के लिए जो डीसी सप्लाई चाहिए होती है, मेन चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ पे डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। सो उसके लिए यहाँ पे रेक्टिफायर लगा के ट्रांसफार्मर से डीसी बना ली जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसको फर्नेस ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जल ना जाए इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांसफार्मर यूज होता है, उसको बोलते हैं फर्नेस ट्रांसफार्मर। जहाँ पे रिक्वायर होती है 24 वोल्ट, 80 वोल्ट, 120 वोल्ट डीसी वोल्टेज। सिक्स नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर था उसको बोलते हैं बूस्टर ट्रांसफार्मर। अब ये बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो बूस्टर ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है कि जब कहीं हाई ट्रांसमिशन करना होता है तो एक बूस्ट देते हैं ताकि जो उसकी करंट है वो रिवर्स ना जाए। अब रिवर्स आने का क्या मतलब है, आप कभी चढ़ाई पे बाइक चढ़ाइए तो अगर आप एक्सीलेटर को कंटिन्यू नहीं घुमाएंगे तो बाइक जो है पीछे आ जाएगी, यानी कि एक बूस्ट देना होता है जिससे वो कंटिन्यू ऊपर जाती रहे और एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए। सो इसलिए बूस्ट ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि बूस्ट ट्रांसफार्मर क्या होता है। सेवन नंबर पे जो हमारे पास आता है वो होता है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। अब रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेसिकली होता नॉर्मल ट्रांसफार्मर ये, बस इसमें जो है ना इंक्लूड होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर और फिल्टर यूज होता है, ताकि जो आउटपुट है वो प्योर डीसी मिल सके। सो एट नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर। अब ये लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर बेसिकली यूज होता है ट्रेन के इंजन वगैरह में। जो रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रांसमिशन लाइन लगी होती है उस पे जो सप्लाई, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, वहाँ पे लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर। सो ट्रेन के इंजन के ऊपर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है। सो नाइन्थ नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं माइनिंग ट्रांसफार्मर। अब माइनिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो माइनिंग ट्रांसफार्मर एक एडवांस लेवल का ट्रांसफार्मर है, सो जिसको हम अंडरग्राउंड यूज करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना आ जाए। इसका बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोयला वगैरह निकाला जाता है, सो वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर यूज होता है। अंडरग्राउंड नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर। अब फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो फेज शिफ्टिंग जो ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली यूज कहाँ पे होता है, आपने सुना होगा घर में कि एक फेज आ रहा दूसरा नहीं आ रहा, सो वह यहाँ पे भी यूज होता है और ग्रिड लाइन में भी यूज होता है, ताकि जब कभी फॉल्ट आने के चांसेस हो तो ये जो है ना, सो ये ट्रांसफार्मर फेज को शिफ्ट कर देता है ताकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके आसानी से और ट्रांसमिशन लाइन फूकने से बच जाए। सो इलेवंथ नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। अब यार वेल्डिंग ट्रांसफार्मर तो आप सबने देखा होगा, वो भी एक डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर में काउंट होता है। पहले क्या होता था, जनरेटर से डायरेक्ट वेल्डिंग की जाती थी, कॉन्स्टेंट सप्लाई चाहिए होती थी इसलिए जनरेटर का यूज करते थे, बट क्या होता था जनरेटर साउंड बहुत ज्यादा करता था और उसकी जो
जनरेट करने की इफिशियंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता है। अब इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो कि नॉइस फ्री होता है, बहुत कम साउंड में ही सारा काम हो जाता है। तो 12 नंबर पे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है उसको बोलते हैं एससी ट्रांसफार्मर या फिर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? तो यार हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे लैब्स वगैरह में टेस्टिंग वगैरह होती है, और अगर वहाँ पे गलती से भी वाइंडिंग फूक जाती है या फिर जल जाती है तो वोल्टेज को एक मिनिमम लेवल तक लाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर था उसको बोलते हैं अर्थिंग ट्रांसफार्मर। अब अर्थिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो अर्थिंग ट्रांसफार्मर जैसे कि कभी लाइट्स वगैरह या कभी लाइटनिंग होती है हमारे छत पे या फिर टावर पे, तो उसके लिए एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है अर्थिंग के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे अर्थिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाए तो ये काम और भी ज़्यादा मिली सेकेंड्स में बहुत फास्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारा इक्विपमेंट है वो ख़राब होने से बच जाएगा। 14 नंबर पे जो हमारे पास यानी कि लास्ट ट्रांसफार्मर है उसको बोलते हैं कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। अब कन्वर्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है? सो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसके अंदर ही जिसकी वाइंडिंग के साथ में एसी और डीसी रेक्टिफायर लगे होते हैं, ताकि इससे हम डायरेक्ट एसी और डायरेक्ट डीसी का आउटपुट ले सकें, हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ना लगाना पड़े। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ये इसमें ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, ताकि आपको अलग से कोई सर्किट देने की ज़रूरत ना पड़े, बस आप डायरेक्ट लगाएं एसी सप्लाई डीसी मिल जाए, डीसी लगाएं एसी मिल जाए, तो डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर देता है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, अगर उससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।